1950 में फिल्म रिलीज हुई। 6 सितंबर 2019 शुक्रवार को भारतीय सिनेमा की जानी मानी बॉम्बे टॉकीज और महिला निर्माता कामिनी दुबे के संयुक्त निर्माण एवं सैन्य विद्यालय के राष्ट्रवादी फिल्मकार आजाद के द्वारा लिखित अहम रश्मि का प्रीमियर वाराणसी के आईपी मॉल में हुआ। यह पहला मौका है जब बड़े पर्दे पर कोई फिल्म संस्कृत भाषा में प्रदर्शित किया गया है। संस्कृत पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए हमने अमरवास का निर्माण किया है। आज का दिन भारतीय सनातन भारत के गौरव का दिन है। परंपरा सभ्यता को मजबूती देगी। जो भी कमियां जा रही भारत में रही है, हम ब्रह्मास्त्र को दूर करेंगे। क्या कहानी है? भारतीय संस्कृत संस्कृत जोड़ने का एक प्रयास है हम ब्रह्मास्त्र का, और जो प्रतिशत पूरे भारत में मिल रहा है मैं खुश हूँ। मैं आने वाला कल देख रहा हूँ कि भारत का बच्चा संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत सीख रहा है, देख रहा है, संस्कृत में कारोबार कर रहा है, और जन साधारण की भाषा बहुत जल्द संस्कृत बनी। काशी से संस्कृत में संस्कृति के लिए कुछ बोलेंगे संदेश आप? भाई काशी ही जनक रही हर चीजों की, हर भाषाओं की, जिसकी बुनियाद है संस्कृत, और संस्कृत के माध्यम से जो हम कार्य कर सकते हैं बाकी भाषाओं में दम नहीं। जैसे एक कोई भाषा हो सबसे आसमान सोचता हूँ कि संस्कृत भाषा आसान भाषा हो सकती है, मतलब वादे वादे आदि चक्कर, यानी जिस तरह वाद विवाद का बोध होता है वो सबसे ऊपर रखा जाए संस्कृत, हर भाषाओं में जननी है संस्कृत, और ये भारतीय इतिहास की निरंतर घटना है। इस सदी की अहम ब्रह्मास्त्र का निर्माण, इसमें कोई सर संस्कृत में दो लाइन कुछ अब तो फ्रेंड आप देखेंगे सामने है। सर संस्कृत में दो लाइन कुछ बोलिए। मैं संस्कृत एक ही बात कह सकता हूँ कि संस्कृत की अस्तो मा सदगम है, तम सो मा ज्योतिर्गम है, मृत्यो और मा अमृतम गम्या। मृत्यु के बाद जो जीवन होता है वो संस्कृत, दायरी संस्कृति दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू।